दो फिर बोले नमस्ते, बोलो बाय फ्रेंड, नमस्ते नहीं बाय, बाय फ्रेंड, बोलो मैं मासी जा रही हूँ। मिल गई है बस मणिकरण वाली, तो मैं बस में बैठ गई हूँ, तो आई थिंक सो ये बस मुझे 9:30 तक पहुँचा देगी। गुड मॉर्निंग। ये देख जरा मासी, मासी को देख, मासी के हाल देख। ओ माँ, मैं मासी थक गया, मैं मेरे को गोदी में चुला दो, मासी मैं थक गया, मैं मासी चुला दो। देखो फ्रेंड्स अभी पहुंचे हैं घर, इतनी धूप। ये देखो प्रीशा, प्रीशो तो पापा के पास चली गई। हाय करो। ओ भाई इतनी खतरनाक धूप, अति होगी अति। और अब हम लोग करो यार, मेरी बेटी को इसको ठंड लग रही है, धूप लग रही है, एकदम गर्मी में आए ना। आई माँ, दो मिनट रुक। फ्रेंड मैं घर पहुंची हूँ और अब चेंज वेंज करके फिर निकलने की तैयारी करते हैं। थोड़ा चेंज करती हूँ कि इन कपड़ों में तो मैं चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकती क्योंकि मुझे आज वापसी चंडीगढ़ जाना है। तो बस फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, चेंज कर लेते हैं पानी में। थैंक यू। मेरी माँ देखो हैं आपसे। शादी हो गई, बहुत अच्छी रही, बहुत ही मजे किए और बहुत लोगों से मिले। जितने भी मेरी फ्रेंड सर्कल जो भी था या मेरे से बड़ी दीदियाँ वगैरह थी, सबसे मिले हम लोग और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस अब फटाफट से चेंज करते हैं, थक गए इन कपड़ों में, तो चेंज वेंज करके मिलते हैं आपसे। फ्यू मिनट्स लेटर। डाल कर दे प्रिशा भाई, बाय कर दे। आरु, हे आरु, आरु बाय बेटा, बाय करो बुआ, बाय। सो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ वापस चंडीगढ़, और ये ब्लॉक एंड मैं घर ही करूँगी इस बार। तो बस मन तो नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन आपको पता ही है घर में बच्चे भी वेट कर रहे होंगे, तो मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। तो मिलते हैं आपसे, अभी बहुत लेट हो रहे हैं। है पोंटा बस स्टैंड, और इतनी जल्दी पोंटा पहुंचा दिया। ये देखो ये हमारे उस्ताद जी, और पोंटा पास के कह रहे बस स्टैंड। मेरी नींद खुली, मैं कहा हूं मैं हेलो पिशा, तो बाय कर दो फिर, बोले नमस्ते, बोलो बाय फ्रेंड, नमस्ते नहीं बाय, बाय फ्रेंड, बोलो मेरी मासी जा रही है चंडीगढ़। आप आओगे? चलो मासी के पास आना फिर, ठीक है? ओके बाय बाय। मैं बाय कर रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ मैं बस कौन सी लगी है। नहीं नहीं यार, निकल जाती हूँ आज ही। बाय प्रिशा, बाय बाय। मिल गई है बस मणिकरण वाली, तो यहाँ चंडीगढ़ से जो पोंटा साहिब से जाएगी चंडीगढ़, फिर मणिकरण जाएगी। तो मैं बस में बैठ गई हूँ और अभी 5:30 हुए हैं, तो आई थिंक ये बस मुझे 9:30 तक पहुँचा देगी। चलते हैं, बाय बाय पोंटा साहिब, चल पड़ी बस।
फ्रेंड्स, मैं पहुंची हूं अभी काला आम, और यहां पर गाड़ी रुकी है। यहां डिनर लोग कर रहे हैं अभी। आई थिंक सो टाइम तो 8:30 हुए हैं अभी। आधा घंटा इन्होंने बोला रुकेगी गाड़ी यहां पर। मुझे इतनी सारी वॉमिटिंग हुई है ना कि मेरा, मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। बहुत सारी वॉमिटिंग, और मुझे बड़ा डर लगता है जब वॉमिटिंग होती है। ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो अभी यहाँ पर ड्राइवर लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं बैठ गई हूँ। और बस वैसे मैंने रावत जी को फ़ोन कर दिया है कि जैसे मैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड पहुँचूँगी, आप मुझे लेने आ जाना, तो वो वहाँ आ जाएंगे। ये बस खड़ी है मेरे पीछे। तो मैंने सोचा 2 मिनट थोड़ा ना, आज इतना ज़्यादा सुबह से स्केड्यूल बिजी था, मतलब इतना, मतलब व्यस्तता रही कि बहुत ज़्यादा। तो और फटाफट से मुझे आना भी था वापस, मुझे चंडीगढ़ आना था क्योंकि कल बच्चों के स्कूल भी है, और वैसे भी मम्मी घर में नहीं है, तो वैसे बच्चों को छोड़ के आई थी। तो बस अभी बैठे हैं। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, बहुत ज़्यादा, और इतनी सारी वॉमिटिंग, क्योंकि ऑयली खाना खाया था, शादी वाला खाना खाया था दिन में, तो उसकी वजह से पता नहीं गैस बन गई क्या रहा, बट बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई मुझे। सिर चकरा रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं चंडीगढ़ यार। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा। इससे बेटर तो मैं किसी और बस में आती तो ज़्यादा ठीक था, बट चलो बाकी हूँ तो देखते हैं। अब मिलते हैं थोड़ी देर में, बैठती हूँ मैं अभी। तो खैर खाना खा रहे हैं लोग, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो मैं बैठ जाती हूँ अंदर। मिलते हैं आपसे सीधे चंडीगढ़ में। रावत जी को बोलूँगी लेने आएंगे, तो फिर वहीं पर मिलेंगे आप लोगों से। सर में बहुत दर्द हो रही है। टू आवर लेटर। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ चंडीगढ़, और रावत जी आ गए लेने मुझे, और मेरी बहुत हालत पतली हो गई है। बस में वॉमिटिंग कर करके और बुरा हालत हुई है, बट ये कि चलो अब फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। और अभी आई थिंक कितने बजे, अभी 10:08 हुए, 10:10, हाँ मतलब 10:00 हुए हैं। तो मतलब मैं 5:30 की बैठी हूँ, 4.5 घंटे लग गए ना, और रुकी है बस, मतलब 1 घंटा तो बस ने बेले ही वेस्ट किया है। बस मैं पहुंच गई हूँ, और अब मैं बहुत थक गई हूँ फ्रेंड्स। और आई होप आप लोगों ने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा, गांव की शादी एंजॉय की होगी। और बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सर दर्द है बहुत ज़्यादा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाकी फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। घर पहुंचने वाली हूँ, बाय।